यहाँ पर सबसे अच्छा विकास नाटा जी के कार्यकाल में हुआ। बात करें तो विकास को लेकर क्या हालात बने? ढाकनी गांव में तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यह ढाकनी गांव की कोई तस्वीर नहीं बनती। पहले नाटा जी मंत्री थे, उस टाइम हमारे यहाँ जीरो बजट में 10 तक स्कूल दिया उसके, और उन्होंने अनेक विकास कार्य किए। विकास को लेकर तस्वीर स्पष्ट है। कांग्रेस के सरकार में जो काम हुए थे उसके बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ विधायक जी द्वारा। यहाँ पे जो होना था वो बिल्कुल भी काम ही नहीं। राजू जी तो बोल रहे हैं बहुत 4000 करोड़ का विकास कर दिया। कोई नहीं है, विकास ही नहीं। मारू जी कितनी बार आए? मिले दो बार यहाँ आए, पर जीतने के बाद में कभी ढाकनी में मुंह भी नहीं दिखाया। बताओ ना गांव की समस्या। हमारे गांव में तो बहुत सी समस्या है, अभी तक कोई हल भी नहीं हुआ। जैसे मारू जी को टिकट मिला तो इन्होंने यहाँ पर या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गिने गए या फिर चावला जी के, यहाँ उनका व्यक्ति, उन्होंने किसी को नहीं माना इस गांव के लोगों को कि यहाँ मेरा कोई व्यक्ति, और इस गांव के साथ सोतेला व्यवहार। पहले आवश्यकता है, 20 साल हो गए हाई स्कूल खुले, अभी तक यहाँ बिल्डिंग नहीं मिली हमारे पास। मारू जी बोले 4000 करोड़ का विकास की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर हाई स्कूल का एक भी भवन नहीं है रिकॉर्डेड। मारू जी भी रहे, ढाकनी गांव में तस्वीरें किसके कार्यकाल में बनती है? नाटा जी के। मारू जी तो बोल रहे उन्होंने बहुत विकास कराया। मारू जी ने नहीं कराया। पहले नाटा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया हमारे गाँव में। मारू जी आने के बाद में कैसा कोई विकास नहीं। मारू जी ने क्या करा? मारू जी ने बहुत अच्छा किया, 400 करोड़ की पाया पूरे गाँव में क्षेत्र में। कांग्रेस पर माहौल क्या गिरा है? कांग्रेस मारू जी तो कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा डाला मैंने। हाँ, विकास करी मिले ना, यहाँ बड़ी मिली रेट बंद तो काम हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया विकास हुआ नहीं, जो बढ़िया देखो आप जो देखो ये तो नहीं कह सकते अपन 4000 करोड़ कहाँ लगाए। आपके गांव में क्या हुआ? ये तो नहीं लगाए, इतने तो नहीं लगाए। गांव वाले झूठ बोल रहे, गांव वाले झूठ बोल रहे, ये सब कांग्रेस ही यहाँ पर, सब कांग्रेस ही। भाजपा का है, भाजपा मेरे साथ चलो। विकास हुआ है भाजपा सरकार में, वो किसान खुश है, मजदूर खुश है, हर वर्ग खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में, हूँ आपके साथ महेजन। चुनावी माहौल में आम जनता का मूड जानने दीपावली का पर्व है, इन लोगों के बीच पहुंचे मनासा विधानसभा के ढाकनी गांव हम पहुंचे, जहां पर आम लोगों से विधायक के विकास के दावों को लेकर सच्चाई जानेंगे और भाजपा या कांग्रेस किसके कार्यकाल में गाँव की तस्वीर बनी इसको लेकर हम जनता से रूबरू होंगे, लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम स्कूल के पास का चौराहा है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खड़े, इन लोगों से ग्रामीणों से रुख जानने का प्रयास करेंगे। काका कहाँ के रहने वाले हो? ढाकनी के। ढाकनी में चुनावी माहौल बात करें, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विधायक दोनों ही पार्टी के रहे, नाटा जी भी पहले विधायक रहे, मारू जी भी रहे, विकास किसके कार्यकाल में हुआ और क्या तस्वीरें बदली? यहाँ पर सबसे अच्छा विकास नाटा जी के कार्यकाल में हुआ, जो यहाँ से सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था उन्होंने पूरे क्षेत्र में, कहीं पाइपलाइन नहीं थी, यहाँ नल योजना करवाई उसने नाटा जी ने। उसके बाद में यहाँ से नाटा जी के टाइम की जो टंकी बनी हुई थी अभी तक उससे कोई नल सप्लाई नहीं हुआ, अभी तक वो वैसी पड़ी है। मारू जी कहने 4000 करोड़ का विकास कराया, ढाकनी गांव की अगर बात करें तो विकास को लेकर क्या हालात बदले? ढाकनी गांव में तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। ये कह रहे भैया ढाकनी में विकास नहीं हुआ, हकीकत क्या है? नहीं हुआ। मारू जी आए या नहीं आए विधायक बनने के? आए, विधायक बने। कितनी बार आए? दो बार आए। विकास कुछ हुआ कि नहीं हुआ ढाकनी में? विकास तो कुछ नहीं, जनरली जो चल रहा है काम हो चले, बड़ा कोई विकास नहीं हुआ। बड़ा विकास भैया ये बोल रहे विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मारू जी कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा भैया उन्होंने, बहुत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर चुनावी बात करें, नाटा जी भी विधायक रहे और मारू जी भी विधायक रहे, विकास के जो दावे हैं उनकी हकीकत क्या? ढाकनी गांव की तस्वीर बदली या नहीं? भैया ढाकनी गांव की कोई तस्वीर नहीं बदली। पहले नाटा जी मंत्री थे, उस टाइम हमारे यहाँ 0 बजट में 10 तक स्कूल दिया उसके, और उन्होंने अनेक विकास कार्य किए, पंचायत नाटा जी की, उसके बाद स्कूल नाटा जी का, ये मतलब कुल मिला के जो भी विकास हुआ, पेयजल नाटा जी की, इनके कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ, मात्र केवल अभी ये थोड़ा बहुत ये रोड छोड़ ये थोड़ा बहुत हुआ सीसी हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। विकास की अगर बात करें, अभी देख रहे हैं कि यहाँ से मनासा से यहाँ आने का जो रोड है वो डंबर हुआ है, तो कब से खराब था और सुध कब ली गई उसकी? काफी लंबे समय से खराब था और अभी भी रोड जो हुआ ठीक है वो 66% ही हुआ है, बाकी जो रोड डैमेज है वो सही नहीं किया जाएगा। विकास को लेकर क्या तस्वीर है ढाकनी गाँव में? विकास को लेकर तस्वीर स्पष्ट है। कांग्रेस के सरकार में जो काम हुए थे उसके बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ विधायक जी द्वारा। सांडिया में बोल रहे, सांडिया में नाटा जी का तो बोले लोग विरोध कर रहे, ऐसे मैसेज चल रहे सोशल मीडिया पर। प्रायोजित प्रोग्राम था। क्या लगता है भैया, ये बोल रहे हैं कि विकास जो है नाटा जी कार्यकाल में हुआ, मारू जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, हकीकत क्या है? नहीं हुआ। क्या नहीं, क्या होना था यहाँ पे? यहाँ पे जो होना था वो बिल्कुल भी काम ही नहीं हुआ। पीने के पानी की अगर बात करें, काका कब से रहते हैं यहाँ पे?
मैं तो यही रहता हूँ जन्म से, यही रहते हैं। विकास की बात करें, नाहटा जी विधायक रहे, मारू जी भी रहे, एक बोल रहा मैंने विकास करा, दूसरा कह रहा मैंने विकास करा, ग्रामीणों की हकीकत क्या है? नाहटा जी ने जो विकास करा था वो अभी तक नहीं हुआ। क्या समस्या क्या है पीने के पानी को लेकर? हर समस्या की अगर बात करें, एक महीने बाद पीने के पानी की भयंकर समस्या होगी, हर गरीब आदमी को पानी का टैंकर डलवाना पड़ेगा। मारू जी तो बोल रहे हैं बहुत 4000 करोड़ का विकास कर दिया काका। कोई नहीं हुआ, विकास ही नहीं हुआ। मारू जी कितनी बार आए? मिले दो बार यहाँ आए, पर जीतने के बाद में कभी ढाकनी में मुंह भी नहीं दिखाया। तो क्या समस्या है, क्या ढाकनी गांव की, ऐसी कौन सी समस्या है जो होनी थी? क्या बता अब वो जाने, नहीं आप बताओ ना गांव की समस्या। हमारे गांव में तो बहुत सी समस्या है, अभी तक कोई हल भी नहीं हुई। पहले नाटा जी अगर बात करें, मेरी बात सुनो, विकास की अगर बात करें भैया, युवा हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो इसी गांव का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं भाजपा पदाधिकारी हूँ। हाँ। और मनोहर सेन मेरा नाम है। मुझे बताइए, विकास को अगर लेके ढाकनी गांव की बात करें, ढाकनी गांव में कौन सी समस्या है जो हल होनी थी? और नाहटा भी विधायक रहे, मारू भी रहे, किसने समस्या सुनी? मूल रूप से 3 समस्याएं होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आवास की। तो यहाँ पर हम जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, पीएचई द्वारा हमें यहाँ पर पाइपलाइन और पेयजल की टंकी पहले से जो चावला जी के समय स्वीकृत हुई थी, आज दिन तक उस टंकी से हम गाँव वासियों को 24 घंटे पानी नहीं दे असफल रहे। बीच में हमने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार उसमें कर लिया, और हम बिजली के ऊपर निर्भर रहना चाहिए और कुएं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। 24 घंटे जो महिलाएं काम, घरेलू महिलाएं जो मजदूरी करने जाती है, वो सोचती है कि हमें 24 घंटे पानी मिले, लेकिन इनको एक निश्चित टाइम शेड्यूल आज भी नहीं है, कभी दिन में ना आते कभी। मारू जी तो कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा डाला मनासा में। भाई जनप्रतिनिधि है वो तो कुछ तो गिनाएंगे, लेकिन आम जनता जानती है कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको परिणाम के रूप में आपको सामने आ जाएगा। 4000 करोड़ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को जो नरेंद्र जी मोदी की स्कीम है उसको गिनाते हैं आप, वो सीएम राइज स्कूल को गिनाते हैं, वो सीएम का प्रोजेक्ट है। गांव को लेके बात करें, ढाकनी गांव की बात करें, ढाकनी में कुछ हुआ है नहीं? ढाकनी जी में एक सोतेला व्यवहार जनप्रतिनिधि द्वारा इस गांव के लोगों, चावला जी रहे या नयन जी नाटा रहे, नयन जी नाटा के बाद चावला जी ने भी इस गाँव में काम किया, लेकिन उसके बाद उनका टिकट कटने के बाद जैसे मारू जी को टिकट मिला तो इन्होंने यहाँ पर या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गिने गए या फिर चावला जी के, यहाँ उनका व्यक्ति उन्होंने किसी को नहीं माना इस गांव के लोगों को कि यहाँ मेरा कोई व्यक्ति, और इस गांव के साथ सोतेला व्यवहार। बीजेपी के लोग भी तो होंगे इस गांव में, ऐसा थोड़ी बीजेपी का गांव नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर उनका अपमान सम्मान नहीं दिया गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई, और जो भ्रष्टाचार के कारण वो लोग उनसे संपर्क नहीं बना पाए। ऐसा क्या लगता है, ये बोल रहे मारू जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ यहाँ की चिकित्सा से लगा? हमारा सबसे पहले आवश्यकता है, 20 साल हो गए हाई स्कूल खुले, अभी तक यहाँ बिल्डिंग नहीं मिली हमारे पास। मारू जी बोले 4000 करोड़ बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर हाई स्कूल का एक भी भवन नहीं है रिकॉर्डेड। उसके अलावा आत्री माता से भादो माता का रोड बनता है तो मंदसौर जाने की 10 किलोमीटर दूरी कम होगी, निम्बत जाने की 10 किलोमीटर दूरी होगी, लेकिन 4000 करोड़ का विकास तो हो गया। आप तो बोले कोई विकास नहीं है, और इस मांग को उस विधानसभा चुनाव में भी मांगा गया था और इस बार भी मांगा गया, कोई रोड मंजूर नहीं हुआ है। और कितनी बार इतने कम से कम 10 गाँव की मांगे कि आत्री माता से भादो माता रोड हो जाए, हम निम्बत जाने में हमारी दूरी कम हो जाएगी, मंदसौर जाने में हमारी दूरी कम हो जाएगी। यहाँ पीछे भी कुछ युवा बैठे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हो? यही का डाक। यही के, डरो मत यार, हंसो मुस्कुराओ। चुनाव दिवाली कैसी रही इस बार? दिवाली अच्छी अच्छी रही। चुनाव की बात करें तो चुनाव कैसा है इस बार? चुनाव बढ़िया है, टक्कर है नहीं है? टक्कर है। विकास की बात करें, नाहटा जी रहे, मारू जी भी रहे, ढाकनी गाँव में तस्वीरें किसके कार्यकाल में बदली? नाहटा जी के। मारू जी तो बोल रहे उन्होंने बहुत विकास कराया। मारू जी ने नहीं कराया। नहीं कराया, आए कि नहीं आए, मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले तो है ना, मिले। कितनी बार आए चुनाव बाद? दो बार आए बस खाली। भैया कहाँ के रहे, अरे कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो बोलना तो पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले? चलो एक बात बताओ, कहाँ के रहने वाले? ढाकनी। ढाकनी की बात करें, विकास को लेकर तस्वीरें किसके कार्यकाल में बदली? नाहटा जी। पहले नाहटा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया हमारे गाँव में, मारू जी आने के बाद में कैसा कोई विकास नहीं हुआ है। मारू जी तो बोल रहे 4000 करोड़ का विकास, उन्होंने कितना भी करा लेकिन मेरा भी फूट झुबड़ी है। मैं मेरे स्वयं की कह रहा हूँ। गांव में विकास हुआ नहीं हुआ? विकास गांव में हुआ, गांव में विकास कैसा हुआ? मेरा विकास नहीं हुआ है, गरीब आदमी। ढाकनी गांव में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ भैया ढाकनी में कुछ, ये जगह ढाकनी में कुछ भी नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। हुआ क्या ये बताओ, चलो थोड़ा भी क्या हुआ? केवल अभी जो नालिया का जो काम चल रहा है ये हुआ। विकास को लेकर स्वास्थ्य की शिक्षा की बात करें, कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ है। भैया कहाँ के रहने वाले? ढाकनी। चुनावी माहौल की बात करें इस बार तो क्या माहौल क्या लग रहा है?
माहौल नाटा जी का। नाटा जी का लग रहा, मारू जी बोल रहे, मैंने तो बहुत काम करा, हरा धुआं नाटा जी को। मारू जी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं करा मारू जी ने। पीछे लेंगे, एक पुराने काका भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हो? डाकनी के। दिवाली कैसी है इस बार? बढ़िया शुभ है। बढ़िया अच्छी शुभ है। एक बात बताओ, किसान हो कि नहीं हो? किसान है। किसान हो। किसानों को शिवराज और कमलनाथ भरोसा किस पे है? कमलनाथ पे। कमलनाथ पे। शिवराज जी तो बोल रहे मैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं किया अभी यार। मारू जी कह रहे, मैं अगर यहाँ की बात करें तो मारू जी कह रहे बहुत विकास कराया है मैंने, करोड़ों का। कुछ भी नहीं किया। अरे यूं ही यूं भी तो करो, कराया तो होगा कुछ तो। कुछ भी नहीं कराया। नहीं कराया? पक्का? पक्का। तो क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। और भाजपा कहाँ जाएगा? गंगा जी जाएगा। गंगा जी जाएगा। भैया काका से बात करते इस बार। काका राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ का ही। यहाँ का। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जी किसान हो? हाँ किसान हो। किसानों की बात करें, सरकारी सभाई, मारू जी कह रहे अभी बहुत विकास कराया, नाटा जी कह रहे मैंने कराया, तो डाकनी गांव में विकास किसने कराया? किसने नहीं कराया? किसने ही नहीं कराया? हाँ। कोई आए कि नहीं आए? आया जरूर है, कि पानी के फोड़ा पड़िया थे, पीवा का मांग मांग के थे। मारू जी तो कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा दिया मैंने। पशु कहीं नहीं की, तो पानी पीवा फोड़ा पड़िया, एक दो टंकी नहीं भरा न, पया के नाम में थे, पया दो पया का नर का पया 60 रुपए महीनो ली दिया। मारू जी आया, समस्या सुनी सुनी कभी मान कहीं कहीं सुनी? मारू जी आए कि नहीं आए थे? नहीं आया थे। नहीं आया। काका ये बोल रहे मारू जी नहीं आया, हकीकत क्या है? पहली बात तो ये बात करो आप। हाँ। के नाटा जी कितने साल पहले देते थे इसमें? हैं? इस बना से देते कितने साल पहले देते नाटा जी? आप बताओ ना। मैं बता रहा हूँ की। हाँ। नाटा जी ने क्या किया मेरे यहाँ? हाँ, तो मारू जी ने क्या करा? मारू जी ने बहुत अच्छा किया, 400 करोड़ की पाइप लाइन पूरे गाँव में क्षेत्र में बिछाई दी। ढाकनी गाँव में क्या हुआ? गाँव में भी पानी पी रहे हम डेली। ढाकनी गाँव पानी डेली पी रहे, सब झूठ है। झूठे? हाँ सब झूठ। आप सच हो? हाँ मैं सच हूँ। क्या सच हुआ बताओ, काम क्या? कह रहा हूँ पानी किसी को नहीं मिल रहा, मैं कसम खा के पूछो इसको पानी नहीं मिल रहा, झूठ बोल रहे। फिर क्या हो रहा? इसको पानी मिल रहा है। क्या लग रहा है फिर? मैं तो मारू है। मारू? आपके मारू? हाँ। और नाटा किसके? नाटा जी होगा, उसको मंसूर। क्या लग रहा है ढाकनी गाँव में क्या होगा? क्या मेरे पानी अच्छा मिल रहा है? पानी उसके अलावा चिकित्सा की बात करो, टोटल लोगों को मकान मिला है, बीजेपी सरकार ने मकान दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना हर गांव में जोड़ी, 40 साल से कांग्रेस की, क्या किया उसको? क्या लग रहा है माहौल? क्या है माहौल? बीजेपी है। मामा जी क्या? कमलनाथ जी? माधो भाई भैया आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। काका राम राम। राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तुम्हारे पहले गड़े रहता हूँ यार। पहले गड़े अले गड़े है तो मनासा में रहते हो ना? नहीं। ये बताओ चुनावी माहौल रोहित को नहीं आम यार? बताओ मोहे, बताओ यहाँ गांव में काम व्योग नहीं हुआ? अरे प्रभु तो यहाँ रोहित को नहीं। अरे तो अबार तो यही हो ना? अभी तो यहाँ मेहमान आए, मुझे क्या? मेहमान आए जिसके घर पे आए वो क्या कह रहा, भाजपा है कांग्रेस? मोहन अगेवन। मोहन अगेवन यार तो बताओ एमपी का हो रहे वाला? एमपी में मामा जी आ रहे हैं, कमलनाथ जी आ रहे हैं? कमलनाथ जी आएगा। तो मामा जी तो बोल रहे हैं मैं आ जाऊंगा। आ जाएगा उनसे क्या मतलब? आ जाएगा भैया। काका से बात करेंगे। काका कहाँ के रहने वाले? काका कहाँ के रहने वाले? आगे। चुनावी माहौल की बात करें भैया, उसको बंद कर लो आप दोनों। चुनावी माहौल की बात करें, विकास हुआ तो जाने को नहीं गई। अरे तो मोह यहाँ करे बरा नहीं बरा, ये बताओ कौन? मारू जी आया मिला नहीं मिला? करके जानू को मारू जी आया मिला नहीं मिला? मारे के काम बड़े, काम नहीं बड़े। काका कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ यहाँ के। बताओ चुनावी माहौल की बात करें अगर, तो भाजपा है कांग्रेस बार माहौल क्या कह रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस। मारू जी तो कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा डाला मैंने। हाँ, विकास करी मिले, नया बड़ी मिली रेड बन। तो काम हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया विकास हुआ नहीं? जो बढ़िया देखो आप, जो देखो यो, अरे यो बताओ आपको, ये देखो विकास बता रहे हैं लोग, देखोगे यहाँ पे चुनावी तस्वीरें हैं, यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे इस बार। चुनावी माहौल की अगर बात करें, डाकनी गांव पहुंचे हैं। डाकनी गांव कहाँ के रहने वाले भैया? डाकनी का। डाकनी क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनाव माहौल ये तो मतदान है। हाँ। वो अंदर जाके क्या करते नहीं, विकास सबसे अहम मुद्दा है। नाटा जी भी विधायक रहे और मारू जी भी रहे, मतदान आपका अधिकार है, आप अपने पसंद के व्यक्ति को मतदान करें, लेकिन विकास किसने कराया ये आप बताएं। विकास दोनों पार्टी कर रही, दोनों करे। मारू जी बोले 4000 करोड़ का विकास कराया, ये तो नहीं कह सकते अपन। 4000 करोड़ कहाँ लगाए? आपके गांव में क्या हुआ? ये तो नहीं लगाए, इतने तो नहीं लगाए। ढाकनी में क्या हुआ? ढाकनी में क्या हुआ? ढाकनी में मेरे को तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है? तो आप 4000 करोड़ की बोल रहे हो तो 4000 करोड़ आपको भी दिखता होगा। नहीं, मेरा ये कहना सालों की समस्या है ढाकनी की, शिक्षा स्वास्थ्य मकान इनको लेकर बात करें तो क्या वाकई में धरातल पर काम हुआ या नहीं?
नहीं तो हो भी रहा है, नहीं भी हुआ, नहीं क्यों हो रहा है? अबे ये मामा जी तो बोल रहे, बहुत विकास करा रहा हूँ मैं तो ये यहाँ पे नहीं हुआ ना। चलो मोदी जी मन में मोदी क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार डाकने गांव में क्या होगा? डाकने में आयुष्मान बिल्डिंग पूरे मध्य प्रदेश में एक है, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं। अरे देखो ये बोल रहे हैं, ये आयुष्मान की बिल्डिंग किसके कार्यकाल में बनी थी? ये बीजेपी कार्यकाल में, बीजेपी। अब अगर बात करें तो चावला जी के कार्यकाल में बन गई। अब उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं, लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर मिलते नहीं है, मन मर्जी से आते, लोगों को लाभ मिल रहा है। डॉक्टर यहीं पर है, हमेशा मिलते हैं डॉक्टर। गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सब कांग्रेस ही यहाँ पर, सब कांग्रेस ही। भाजपा कहाँ है? भाजपा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं काम बताता हूँ। नहीं नहीं, आपने बोला ये सब कांग्रेस ही है, तो फिर भाजपा के लोग कहाँ है? मेरे साथ चलो, ये पूरा कांग्रेस ही इलाका है, कांग्रेस ही इलाका है। तो फिर सरकार किसकी बनेगी? इलाका किसी सरकार पूरा गाँव में बीजेपी का, ये सर पे इतना ये इलाका है इधर, ये बताओ विकास की बात कर ले, कांग्रेस और भाजपा, विकास क्या हुआ डाकने में बताओ? विकास बहुत हुआ डाकने में, बहुत हुआ। हाँ। क्या हुआ डाकने में? सीसी बनी पूरे गांव में, सीसी बनी शमशान घाट की माधव भैया ने। बारहवीं तक स्कूल सेंक्शन है, बिल्डिंग नहीं स्वीकार। बात तो सुनो, माधव भैया ने 3.5 अरे स्कूल की बिल्डिंग की बात करो, बिल्डिंग स्वीकृत हुई कि नहीं हुई? ये स्कूल जो बिल्डिंग है ना सब, ये सारी बिल्डिंग है बीजेपी की, राजकीय है, कांग्रेस की एक भी नहीं है। ऐसा हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का ही है, माधव भैया जीतेंगे। लोग तो एक बात बताओ, मोया बात बताओ, अभी थोड़े दिन पहले कुकरेशन में सम्मेलन हुआ था है ना, तो मो बीजेपी वालों ने मारू जी पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार रेत के, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, उन लोगों के काम बंद हो गए, अब वो जो भ्रष्टाचारी काम थे ना वो सारे बंद हो गए। वो लोग पहले बोलते थे कि हम काला कुत्ता भी आ जाएंगे तो उसके साथ फूल के साथ, आज वो खुद विद्रोह कर रहे हैं, वो खुद मतलब वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किया। काम किया भी होगा तो पहले बोलते थे कि हम बीजेपी के साथ है, हम फूल के साथ है, कोई भी आएगा। आज वो विद्रोह कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। एक रेट का ऑडियो आया था कमीशन का, उसको लेकर क्या कहेंगे? हकीकत क्या है? हकीकत कुछ भी नहीं है, माधव भैया ने किसी से पैसे नहीं लिए। ऑडियो क्या था? सस्ता झूठा था वो ऑडियो, झूठा है वो, वायरल झूठा है। और मैं बता रहा हूँ माधव भैया का काम गिनाता हूँ मैं। अब ये बताओ आप, तो अब ये बताओ मो, सरकार भाजपा कांग्रेस कौन सी बनेगी? सरकार तो भाजपा की बनेगी, क्योंकि वो व्यक्तिगत लड़कियों को मतलब जैसे कि जननी है जो भी है, महिलाओं को आगे दे रही है और महिलाओं के हर पक्ष में महिला के साथ खड़ी है। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का है, यहाँ से एक तरफा बीजेपी निकलेगी। मोदी जी आए थे, मोदी जी आए थे, क्या बोल गए वो? मोदी जी ने बोला कि बीजेपी को बनाओ और सबको राम राम कहो। हाँ। अपने कांग्रेस ने कहा राम राम, राम राम कहा ये लोग, वो तो कहा ही नहीं अपने। अरे चलो बात करें, कोई बात नहीं, बात करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल? सेना के बड़े भक्त लग रहे हो आप तो। बिल्कुल भारत देश के भक्त। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माल तो भाजपा का चल रहा है, भाजपा का चल रहा है। यहाँ अगर विकास की बात करें, लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, आयुष जो है चिकित्सालय बना, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, बिल्डिंग बारहवीं तक स्वीकृत है लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई। बारहवीं तक स्वीकृत नहीं हुई ना, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, दसवीं तक स्वीकृत हुआ है, बारहवीं स्वीकृत नहीं हुआ अभी तक। विकास को लेकर, विकास हुआ है भाजपा सरकार में, वो किसान खुश है, मजदूर खुश है, हर वर्ग खुश है, सम्मान निधि मिल रही किसानों को, बीमा मिल रहा है, बीमा मिल रहा है, किसान खुश। और ये बोल रहे यूरिया महंगा मिला, ये बोल रहे यूरिया महंगा मिला। विधायक जी के कार्यालय के आसपास दोनों साइड में 350 में यूरिया मिल रहा है और 250 की रेट है गवर्नमेंट की। लग रहा है यूरिया सोसाइटी को हर दुकान पर नियम है, ब्लैक में क्यों बिकता है? फिर ब्लैक में सरकार ने अलग अलग केंद्र बना रखे है, मनासा में 2-3 केंद्र चल रहे हैं, रामपुरा में चल रहे, कुकड़े में चल रहे, सब तरफ केंद्र चल रहे। यूरिया किसान को सस्ता महंगा मिला है? नहीं मिल रहा है, महंगा मिला नहीं मिला, महंगा तो कभी मिला होगा। ये ब्लैक क्यों बताओ, इस बार माहौल क्या लग रहा है? मारू जी नाटा जी टक्कर एक नहीं है, टक्कर हो सकती है, टक्कर हो सकती है, विकास है तो टक्कर का ही नहीं, जीतेगी भाजपा सरकार, जीतेगी सरकार। मतलब मारू जी से नाराज है सरकार की तारीफ, मारू जी विधायक बने, मारू जी बने। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ढाकनी गांव जो है की तस्वीर है, काका और इनसे बात करेंगे। काका राम राम, पहले तो राम राम। राम राम। दिवाली कैसी है? बहुत अच्छी है इस बार दिवाली, अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल है। उत्साह है कि नहीं है उत्साह इस बार? अच्छा है उत्साह है। अब एक बात बताओ, चुनाव की बात करें, माहौल क्या कह रहा है इस बार? माहौल तो ऐसे ही है, भाजपा आएगी,
माधव जी आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। नाटा जी? नाटा जी नहीं आएंगे। नाटा जी नहीं आएंगे। विकास की बात करें, ढांकने गांव में काम किसने कराया? वोट भी नहीं है अभी गांव में। विकास को लेकर काम किसने कराया? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो नया गांव जावत क्षेत्र से हूँ। जावत क्षेत्र से हो, एक बात बताओ, जावत की अगर बात करें, जावत का माहौल क्या लग रहा है? जावत में तो भाजपा है। भाजपा है पूरा? नहीं, निर्दलीय लड़ रहा है, सकलेजा को हरा देगा? नहीं, सकलेजा ही आएगा। और यहाँ की बात करें, यहाँ आए, यहाँ क्या है माहौल? यहाँ अभी तक जो मेरी निगाह देखी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ तो मारू जी कैसे आएंगे? वो कह रहे बहुत काम करा यार। हमें बताओ ना क्या काम किया मारू? आगे कह रहे 4,000 करोड़ का विकास कर दिया मारू जी ने। 4 करोड़ का किया है, 4 रुपए का किया, हमारे को पता नहीं है। बाकी हमारे घर के सामने जो गोबर डाल रखा है वो अभी तक नहीं उठा है, जबकि मैंने कल आवेदन दिया था। यार तुम कह रहे हो भाजपा आएगी, विकास नहीं हुआ, तो ये सरकार कौन सी है? तो फिर मारू जी कैसे आएंगे? नाटा जी जाएंगे? समझ नहीं आ रही आपकी बात। अगर हमारे नगर परिषद होती है, बोलते है की पंचायत के अंदर आवेदन दो, परिषद के अंदर आवेदन लगा जाता है, पंचायत के अंदर नहीं लगा जाता। क्या लग रहा है आप ये बताओ, विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके बताओ? नहीं हुआ ना, मेरे मेरे ससुर के सामने अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर डाकनी गांव की तस्वीरें हैं, जहाँ पर हम पहुंचे थे लोगों से चुनावी माहौल में। आम जनता का मूड जाना, कहीं शिवराज तो कहीं कमलनाथ, कहीं मारू तो कहीं नाहटा इनकी पसंद है। अब देखना होगा विकास के दावों को लेकर लोगों की जुबानी चुनी, अब देखना होगा चुनावी माहौल है। 17 तारीख को मतदान है, ऐसे में चुनावी माहौल में किस पार्टी का विधायक बनता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे सहयोगी ऋषिकेश चौहान के साथ में महेश जैन।